जिंदगी में हर वक्त लर्निंग की, इम्प्रूवमेंट की हमेशा गुंजाइश रहती है। जितना आज आपने सीखा है और उतना ही उससे भी इवन कहीं ज़्यादा सीखने के लिए गुंजाइश रहती है, और बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं। और तो बेटर यही है कि हम जितना सीख चुके हैं उससे भी कहीं ज़्यादा और सीखें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वक्त हमारे पास नहीं होता है। वक्त होता है, लेकिन वो होता है ना कि कभी कभी क्रिटिसाइज़ किया, उसके लिए कुछ कह दिया, इसके लिए कुछ कह दिया, या फिर बैठे बैठे सोचने में बीत जाता है। तो बेटर है कि बहुत सारी जो अच्छी चीज़ें हैं हम उनको सीखें और डेली अपडेट करें कि आज हमने नया क्या सीखा। और अगर आप घर में ही रहती हैं, घर से बाहर नहीं जा पाती हैं, नहीं जाती हैं, तो देखिए ना किचन, जहाँ पर आप इतना कुछ वेरिएशन कर सकती हैं खुद की खुशी के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए, इवन परिवार के लिए। तो ऐसा आप करके देखिए, जब भी कुछ थॉट आता हो, जब भी आपको लगता है कि मैं कुछ यहाँ बातें करती हूँ, ये करती हूँ, उसी समय आप ये ध्यान लगाइए कि नहीं, आज मैं किचन में कुछ नया बनाकर देखती हूँ। फिर देखिए दोनों में क्या डिफरेंस होता है और क्या आउटपुट आता है। सुनीता जी हमारा इंतजार कर रही हैं, वेलकम करते हैं सुनीता जी का। सुनीता जी कैसी हैं आप? बिल्कुल अच्छी। क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं। वैसे आप लोग तो बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी करते रहते होंगे, क्योंकि रेसिपीज एक रेसिपी में से दूसरी रेसिपी निकलती है। अगर हम कुछ बना रहे हैं तो वहीं पर थॉट आ जाता है कि अगर इसको ऐसे भी कुछ करें तो कुछ नया बन जाएगा। जी हाँ। तो ये क्रिएटिविटी चलती रहनी चाहिए, और हम लोग तो बहुत लकी हैं कि इतनी मेहनत करके, इतनी क्रिएटिविटी करके अच्छी सी रेसिपीज हम लोगों के साथ शेयर करती हैं। तो क्या बन रहा है आज? आज हम बनाने जा रहे हैं लखनवी काकोरी कबाब। लखनवी काकोरी कबाब जी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं काकोरी कबाब बनाने के लिए मटर। ये उबले हुए मटर है। ओके, हाथ से थोड़ा सा मैश कर लेते हैं। ठीक है सुनीता जी, आपने बॉईल मटर लिए, उसको आप हल्का सा हाथ से ही क्रश कर रही हैं, मैश कर रही हैं। हाँ जी। इसमें थोड़ी सी सब्जी और डाल लेते हैं, जैसे पत्ता गोभी, बारीक कटी हुई है एकदम, गाजर, हरी मिर्च, ठीक है, हरा धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट, ओके, उबले हुए मैश किए हुए आलू, और इसका मेन इंग्रेडिएंट लिया है हमने सोया ग्रैनुल्स। ये इजीली अवेलेबल है, इनको बॉईल करके और स्क्वीज कर दिया है। ठीक है। सीजनिंग करते हैं, थोड़ा सा इलायची पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, चाट मसाला, और ये थोड़ा सा फ्रेश पुदीना। ठीक है, ये हो गया थोड़ा सा फ्रेश पुदीना, जिसका आप हाथ से ही चॉप कर रही हैं। सुनीता जी, इसमें आलू, सोया ग्रेन्यूल्स और मटर तीन मेन इंग्रेडिएंट हुए हैं, जो इसका बेस कह सकते हैं हम। इसमें हमने थोड़ी सी पत्ता गोभी मिला दी है, कैबेज मिला दी है, फ्लेवर के लिए हमने स्पाइस मिला दिए हैं, चाट मसाला मिलाया है, और लहसुन अदरक का पेस्ट। जी, अब इसकी बाइंडिंग के लिए हम डालेंगे भुने चने का आटा। ठीक है, इससे इसकी बाइंडिंग हो जाएगी। यहाँ हम बेसन का भी यूज कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। सेटिसिक पर लगा लेते हैं इसे। देखिए आपने सब चीजों को बहुत अच्छे से एक डो के फॉर्म में मैश कर दिया, और स्टिक्स पे आप इन्हें सेट कर रही हैं। ग्रिल तवा हमारा गर्म हो रहा था जी, इस पे हमने लगा दिए। तो इसमें एक ग्रिलिंग इफेक्ट भी आएगा। जी हाँ, आपका ग्रिल तवा बहुत गर्म होना चाहिए। अच्छा, तो ये धीरे धीरे ग्रिलिंग इफेक्ट के साथ शैलो फ्राई होता जाएगा। और ये ऑयल आप अच्छी तरह से इसके ऊपर बेस्ट करती जाए। देखिए कितने अच्छे मार्क्स आए ग्रिलिंग के।
देखिए, जब हम बेसन का इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सा बेसन का रॉ अरोमा आता है। ओके। और अगर हमने उसका भुने चने का आटा इस्तेमाल किया है तो बिल्कुल आएगा नहीं। हाँ, वैसे ये डिफरेंस बहुत सही बताया आपने, क्योंकि भुने चने का आटा अपने आप में कुक्ड होता है। जी हाँ। तो उसका इफेक्ट अच्छा आता है। थोड़ा सा बेसन अगर लेते हैं तो थोड़ा सा उसमें फिर या तो बहुत अच्छे से उसको कुक किया जाए। हाँ। या फिर उसका एक अजीब सा टेस्ट आएगा। मतलब बेटर ये कि हम भुने चने का आटा ही यूज करें। अगर हम डीप फ्राई करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेसन। अच्छा। में अगर हम शैलो फ्राई कर रहे हैं तो प्रेफरेबली भुने चने का आटा लें। ठीक है संगीता जी। हो चुके। ठीक है, इसकी प्लेटिंग करते हैं। बिल्कुल। ये मेरे पास अनियंस है। इसमें हम डालते हैं नींबू का रस। थोड़ा सा धनिया। और साथ ही डाल देते हैं थोड़ा नमक। ठीक है। सुनीता जी, ग्रिल्ड कबाब आपने बनाए और ग्रिलिंग इफेक्ट भी बहुत अच्छा आता है, और जो ग्रिलिंग पे जो शैलो फ्राइंग होती है वो बहुत डिफरेंट होती है। तो टोटल मिला के अच्छा टेस्ट आपको मिलेगा। लाइए। तो बर्ती कब बनकर तैयार है? लखनवी काकोरी कबाब। तो ये लखनवी काकोरी कबाब हैं, क्या ख्याल है इनके बारे में? हो जाए तो छत से नोट करें। लखनवी काकोरी कबाब बनाने के लिए हमें चाहिए 1/4 बोल बॉइल्ड मटर, 2 चम्मच पत्ता गोभी, 2 चम्मच गाजर, 1 चम्मच हरी मिर्च, 1 चम्मच हरा धनिया, 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, 4 चम्मच बॉइल्ड मैश्ड पोटैटो, 4 चम्मच बॉइल्ड सोया ग्रैनुल्स, 1/2 चम्मच इलायची पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, 4 से 5 पुदीना पत्ती, 1/2 बोल रोस्टेड चने का आटा, नमक स्वाद अनुसार। लखनवी काकोरी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सिंग बोल में बॉइल्ड मटर डालें। अब इसमें पत्ता गोभी, गाजर, हरी मिर्च, हरा धनिया, अदरक लहसुन पेस्ट, बॉइल्ड मैश्ड पोटैटो और बॉइल्ड सोया ग्रैनुल्स डालें। इलायची पाउडर, नमक, चाट मसाला और फ्रेश पुदीना डालकर अच्छे से मिक्स करें। रोस्टेड चने का आटा डालकर डो प्रिपेयर करें। साते स्टिक पर इसे सेट करें। ग्रिल पैन को ग्रीस करके लखनवी काकोरी कबाब को ग्रिल करें। प्याज के लच्छों में लेमन जूस, हरा धनिया और नमक डालकर कबाब के साथ सर्व करें। बटर मिल्क पैनकेक्स तैयार होने जा रहे हैं हमारी रसोई से में। सुनीता जी ने फिर प्रिपरेशन करी है। इजीली बन जाते हैं, कम टाइम में बनते हैं। एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, आप देखिएगा किस तरीके से बनते हैं। सुनीता जी, बटर मिल्क यानी कि छाछ, उसके संग आप पैनकेक्स बना रही हैं। जी हाँ। तो छाछ में तो हल्का सा खट्टापन रहता है, तो वो उससे इफेक्ट नहीं आएगा, अच्छे बनेंगे? बिल्कुल अच्छे बनेंगे। इससे जो फर्मेंटेशन के लिए हमें रखना पड़ता है, अच्छा, या अंडा डालना पड़ता है, वो नहीं डालना पड़ेगा। ओके, ठीक है, देखते हैं कैसे बनते हैं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। जी। तो हम लेंगे 1/2 कप मैदा। और इसमें डालेंगे 1/4 कप भूरा चीनी। ओके, 1/4 कप हमने यहाँ ली है भूरा चीनी। और 1/4 टीस्पून सोडा। हाफ टी स्पून वैनिला एसेंस। और ये बटर मिल्क यानी कि छाछ, बिना नमक की, बिना चीनी की। ओके। इससे हम थिक बैटर बना लेंगे। इस बैटर को रखना होता है थोड़ी देर? अच्छा है अगर आप पहले से बनाकर फ्रिज में रख दें। अच्छा। वनीला एसेंस लिया आपने, छाछ ली, मैदा है और थोड़ी सी पूरा चीनी है इसमें। देखिए थिक बैटर होना चाहिए।
पैन गरम हो गया। ये जो बटर आप ले रही हैं सॉल्टलेस है? सॉल्टलेस है। और अगर सॉल्टी भी ले लेंगे तो भी अच्छा लगता है। अच्छा, और इसमें सदा जी हमने चौथाई चम्मच मीठा सोडा भी ऐड किया है। जी हाँ। तो जो आप देख रहे हैं जाली सी इसमें बन रही है वो उसी वजह से आ रही जी है। जी हाँ। और बटर मिल्क भी इसमें हेल्प करता है। जी, पैनकेक्स जितने फ्लफी होंगे उतने अच्छे लगेंगे। सुनिता जी, इन पैनकेक्स को अपन आटे के साथ भी तैयार कर सकते हैं? गेहूं के आटे के साथ बिल्कुल कर सकते हैं। ये देखिए बटकर झटपट तैयार हो गए। जी, मेरे पास कुछ फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स के साथ सर्व करते हैं। और मेरे पास है मेपल सिरप। ओके, ये आपने मेपल सिरप इस पे पोर कर दिया है। थैंक्स नीता जी, गर्मा गर्म पैनकेक्स। ये लीजिए वर्तिका, पांच चम्मच पैनकेक्स। मेपल सिरप के साथ अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप शहद का इस्तेमाल कर सकती हैं। हमने मैदा के साथ बनाए हैं, आप गेहूं के आटे के साथ बनाइए। और देखिए इसमें जो चीज़ ऐड करी गई है वो है मीठा सोडा, तो उससे फ्लफी बनते हैं और अच्छे बनते हैं, एक जाली वाला टेक्सचर इसमें आता है, तब वो भी ऐड करके इसमें बनाएं। नोट करें इसका रिकैप। बटर मिल्क पैनकेक बनाने के लिए हमें चाहिए आधा बोल मैदा, एक चौथाई बोल बूरा चीनी, एक चौथाई चम्मच मीठा सोडा, आधा चम्मच वनीला एसेंस, आधा ग्लास छाछ, चार चम्मच बटर। बटर मिल्क पैनकेक बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सिंग बोल में मैदा डालें। अब इसमें बूरा चीनी, मीठा सोडा, वनीला एसेंस और छाछ डालकर बैटर प्रिपेयर करें। इसे रेस्ट पर रखें। पैन को बटर से ग्रीस करके तैयार बैटर के पैनकेक बना लें। दोनों तरफ से शैलो फ्राई करके डिश आउट करें। फ्रूट कॉकटेल के साथ इसे गर्मा गर्म सर्व करें। नट एंड डेट्स रोल। डेट्स यानी कि खजूर के साथ एक ड्राई नट्स रहेंगे, उसका रोल बनेगा और फिर स्लाइसेस डिवाइड होंगे, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। सुनीता जी शुरू करते हैं। शुरू करते हैं जी। बहुत ही आसान और न्यूट्रिशियस और टेस्टी भी। अच्छा, ये क्या है? ये काजू। ठीक है, एकदम दरदरे किए हुए काजू हैं। ये बादाम है और इन्हें हम रोस्ट करेंगे, यानी कि जो टेस्ट आएगा रोस्टेड आएगा। हाँ। कितना अच्छा लगेगा ना। को हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। ड्राई रोस्ट है एकदम ये। थोड़ा सा घी डालते हैं। घी डालेंगे। ठीक है, अब इसमें डालेंगे हम डेट्स। ये खजूर है, इसको सीडलेस कर दिया और एक पल्पी फॉर्म में आ गया है ये। हाँ। बिल्कुल है ना। देखिए सुनीता जी, आपने पूरा उसको बहुत अच्छे से मैश कर दिया, पूरे नट्स भी इसमें सेट हो गए हैं। और घी जो आपने डाला, बहुत थोड़ा डाला लेकिन उसने इसमें बहुत हेल्प करी है। जी, और ऊपर से ये नॉनस्टिक पैन बिल्कुल एप्रोप्रिएट है ऐसी चीजें बनाने के लिए। ये वेरी नाइस सुनीता जी। बस अब
गैस बंद कर देते हैं और इसे धीमी आंच पे ही हिलाते हुए पकाना है। अच्छा, इस तरीके की चीजें बना के रखी भी जाए सुनीता जी तो आराम से 8 से 10 दिन खराब नहीं होती है। सफर में कुछ मीठा लेके जाना चाहते हैं तो जरा सा भी अगर आप खाते हैं तो सफिशियंट रहता है। कहीं से कुछ आराम से इसको रख लीजिए, कोई रिस्क नहीं कि कुछ कपड़े खराब हो जाएंगे, आराम से पैक करिए और सफर में भी लेके जा सकते हैं। ड्राई नट्स है, एनर्जी इंस्टेंट मिलेगी, खराब होने वाली कोई चीज है ही नहीं जी। गरम है, चाहे तो आप थोड़ा सा ठंडा होने दें जी। देखिए गरम गरम को ही इसको आपने सेट कर दिया। सुंदर जी, इसको सेट होने में कितना समय लग जाएगा? बस ठंडा होके आप स्लाइसेस काट सकते हैं, जरूरी अच्छा। नहीं है कि फ्रिज में ही रखा जाए। अच्छा, सुनीता जी दिखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं, एकदम स्लाइसेस में आपने इन्हें कट कर दिया है। नट्स का एक बहुत अच्छा टेस्ट रहेगा क्योंकि रोस्टेड नट्स हैं जी। लाइए। थैंक यू सो मच। आप देख रहे हैं जस्ट डेट का और नट्स का रोल है बनाने में, आपने देखा कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ, आप इजीली बना पाएंगी। इस तरीके की चीज़ें बना के आप रखती हैं फ्रिज में, बिल्कुल ख़राब नहीं होती हैं, कैरी करके ले जाना चाहती हैं, गिफ्ट देने के हिसाब से बहुत अच्छी हैं। नोट करें इसका रिकैप। नट्स एंड डेट्स रोल बनाने के लिए हमें चाहिए 4 चम्मच दरदरे काजू, 4 चम्मच दरदरे बादाम, आधा बोल खजूर का पल्प, आधा चम्मच देसी घी। नट्स एंड डेट्स रोल बनाने के लिए सबसे पहले पैन में दरदरे काजू और बादाम डालकर रोस्ट करें। ऊपर से थोड़ा सा देसी घी डालें, खजूर का पल्प डालकर अच्छे से मिक्स करें। इसे 1 से 2 मिनट तक पकाकर सिल्वर फॉइल पर डालें। इसका रोल बनाकर पीसेस में कट करें। तैयार है नट्स एंड डेट्स रोल, इसे सर्व करें। सुनीता जी थैंक यू सो मच, अच्छी सी रेसिपीज, सिंपल सी रेसिपीज आपने बनाना सिखाया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वर्तिका। देखिए टाइम तो बीतता जाता है, पता ही नहीं चलता सुबह कब होती है शाम कब होती है। कुछ आउटपुट मिले तो ये बहुत अच्छी बात है। आपकी रसोई में बहुत कुछ है आपके पास करने के लिए, आपने रेसिपीज देखी होंगी कितनी कम चीज़ों के संग बहुत अच्छी डिफरेंट रेसिपी बन सकती है। लेकिन पहली कोशिश, पहला कदम तो आपको ही उठाना होगा, उसके बाद आपको खुद को अच्छा लगेगा। ट्राई करके देखें। नोट करें हमारा पता, है रसोई से ATV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। हमारा मेल ID है रसोई से @ATV.co.in। अगले एपिसोड तक के लिए जा रहे हैं, नमस्ते।